नमस्ते, मैं हूं अंकित देव, दृष्टिकोण प्रोडक्शन से, और आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। चलिए आज बात करते हैं चैनल रैक की। अगर आप सबसे पहले यहां पर शुरू में जो ये शॉर्टकट बटन्स दिए गए हैं, अगर आप सेकंड नंबर पर जाते हैं तो हिंट पैनल में हाईलाइट हो रहा है व्यू चैनल रैक, इस पर क्लिक किया चैनल रैक आ जाएगा। अगर आप FL स्टूडियो 11 या उससे पिछला यूज़ कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ चैनल रैक वहां लिखा होगा स्टेप सीक्वेंसर। चैनल रैक हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम यहां पर गए, अगर मैं स्क्रॉल करता हूं पैटर्न चेंज होते हैं, मैं पैटर्न 1 पर गया सैम्पलर। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूं, यहां से गए इंसर्ट, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे सिंथेसाइजर्स इंस्ट्रूमेंट्स यहां पर आ जाएंगे। अगर आप ये नहीं करना चाहते, FL स्टूडियो 12 में एक नई ऑप्शन आई है प्लस, अगर मैं इस प्लस के ऊपर भी क्लिक करता हूं एग्जैक्टली वही चीज़ खुल जाती है। तो चाहे आप यहां से प्लस करके कीजिए या फिर यहां से राइट क्लिक इंसर्ट। इंसर्ट किया, मैं यहां से कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट लूंगा, मैं एक बेसिक कीबोर्ड ले लेता हूं, आई विल गो टू FL कीज, फ्रूटी लूप कीज, और ये आपके सामने FL कीज आ गई है। ओके, इसे मैंने यहाँ से काटा। अब यहाँ से देख सकते हैं कि पैटर्न 1 वहाँ पर लिखा हुआ है, FL कीज यहाँ सेलेक्ट हो रखी हैं। अब मुझे FL कीज को प्ले किस तरह करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आपने इंसर्ट किया है FL कीज, राइट क्लिक, यहाँ लिखा है पियानो रोल, मैंने पियानो रोल पर क्लिक किया है और ये पियानो रोल खुल गया है। अगर आप यहाँ से थर्ड शॉर्टकट बटन में जाते हैं, आप वहाँ देख रहे हैं हिंट पैनल में लिखा है, यहाँ पर हिंट पैनल में आप देख सकते हैं यहाँ हाईलाइट होने पर आता है व्यू पियानो रोल, आप क्लिक करेंगे वो चला जाता है, आपने क्लिक किया वो वापस आ गया है। अब अगर आपके कंप्यूटर के साथ मिडी बोर्ड कनेक्टेड है तो आप उससे भी प्ले कर सकते हैं रिकॉर्ड बटन दबा के। वो किस तरह से होगा मैं आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा। अगर आपके साथ कीबोर्ड मिडी नहीं अटैच्ड तो आप इस माउस को भी यूज कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट कोई भी पैटर्न तैयार करने के लिए। मैंने यहां पर चार नोट्स दे दिए हैं, मैं इसे प्ले करके देखूंगा। ऑल राइट, अब मैं क्या किया, पहले नंबर पे मैंने क्लिक किया व्यू प्लेलिस्ट, मैं प्लेलिस्ट पर आ गया हूं, मैंने पैटर्न 1 पर क्लिक किया। अब मैं जैसे ही यहां पर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं मेरे पैटर्न 1 में वो पियानो जो मैंने अभी प्ले किया था वो वहां नजर आ रहा है। ये आप जो एक ऑरेंज लिट देख रहे हैं, आप इसके ऊपर लेकर जाते हैं तो वहां लिखा है song/pattern mode, मतलब अभी वो फिलहाल बता रहा है पैटर्न 1 में क्या बज रहा है। अगर मैं फिर से क्लिक करूंगा तो ये बताएगी कि मेरे प्लेलिस्ट में क्या प्ले हो रहा है। ओके, मैंने एक बार इस पर क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया, मैं पूरा दूर तक ले गया। और ये चलता जाएगा। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी एडिट करना चाहता हूं, कुछ चेंज करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना है, डबल क्लिक, मैं उसके अंदर आ गया हूं। ओके, प्लेलिस्ट में बाहर आए, आप देख सकते हैं और भी बहुत नोट्स ऐड हो गए हैं। ओके, मैं वापस सेकंड नंबर पे क्लिक किया है, मेरा चैनल रैक स्टेप सीक्वेंसर सामने आ गया है। अब मैं यहां पर और भी बहुत सारी ऑप्शंस देख रहा हूं, ये फिलहाल क्या है। अगर आप नॉर्मली देखते हैं, अभी तो मैंने यहां पर राइट क्लिक करके पियानो रोल में ले गया था तो यहां पर मुझे नोट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन जब मैं सॉफ्टवेयर खोलता हूं सबसे पहले मुझे ये छोटे छोटे बटन्स नजर आ रहे होते हैं, ये क्या चीज है। मैं यहां से गया, सबसे पहले यहां पर दिया गया है, मैंने इस पर क्लिक किया है, यहां से नीचे 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 जाते हुए यहां दिख रहा है पैक्स, मैंने पैक्स पे क्लिक किया, यहां से ड्रम्स और बहुत सारे पैक्स खुल गए हैं, मैंने ड्रम्स पे क्लिक किया, यहां से किक पे क्लिक किया और बहुत सारी अलग अलग किक्स आ गई हैं, मैंने किक उठाई और मैंने यहां पर कहीं भी ड्रॉप कर दी, वो किक यहां पर आ गई है। अगर मैं 1 2 3 4 मैं इस तरह से रखूंगा, ये पैटर्न 1 ही सिलेक्टेड है तो मेरा पियानो और मेरी किक दोनों ही एक ही पैटर्न में बजनी शुरू हो जाएगी। आप यहां भी देख सकते हैं यहां हाईलाइट भी होना शुरू हो गया है। राइट क्लिक करूंगा ये साफ हो जाएगी। मैंने क्या किया, यहां से मैंने पैटर्न 2 सिलेक्ट किया, 2 में गया, अब मैं किक पे जाता हूं, 1
दो तीन चार। मैं प्लेलिस्ट पर गया, यहाँ क्लिक किया, ये पैटर्न वन मेरा जहाँ पियानो चल रहा था, पैटर्न टू जहाँ पर मेरी किक आ गई है, मेरे हाथ में आ चुकी है, मैं इसे प्ले करूँगा। ठीक है, मैं वापस गया मेरे चैनल रैक की ओर, पैटर्न टू ही सिलेक्टेड है, किक्स मैंने ऑफ की, मैं यहाँ से स्नेयर्स में जाता हूँ। चलिए मैंने ये स्नेयर ली, यहाँ पर मैंने ड्रॉप की और एक दो एक दो। चलिए अब सुनते हैं, इसे मैंने साइड में किया, पैटर्न टू में मैंने अब किक और स्नेयर फिट कर दी है, अब देखते हैं यहाँ पर वो एग्जैक्टली किस तरह से प्ले होती है। आई होप आपको समझ आ गया हो, अगर नहीं आया हो आप पीछे करके वीडियो आराम से देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसी तरह से मैं पैटर्न चेंज करता जाऊंगा कुछ भी धीरे धीरे, और यहां से मैं कहीं भी राइट क्लिक, इंसर्ट, ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर यहां प्लस किया एग्जैक्टली वही खुल जाता है। ये सारे सिंथेसाइजर्स क्या हैं और ये किस तरह से यूज़ होते हैं, ये मैं आगे जाकर एक एक चीज़ें सीखता जाऊंगा, समझता जाऊंगा। फिलहाल मैं चैनल रैक की और ऑप्शंस के बारे में देखता हूं। मैंने यहां पर क्लिक किया है पैटर्न वन, इस पे मैंने क्लिक कर दिया है, इट मींस ये मुझे सिर्फ पैटर्न वन की साउंड ही बताएगा, पूरी प्लेलिस्ट की साउंड नहीं बताएगा। स्पेस बार दबाया या फिर प्ले, एक ही बात है, प्ले हो जाएगा। यहां पर दो नॉब्स आप देख रहे हैं, कहीं भी अगर आप लेकर जाते हैं तो हिंट पैनल में हाईलाइट हो जाता है। यहां पर लिखा है चैनल वॉल्यूम, आप देख रहे हैं वॉल्यूम कम ज्यादा हो रहा है। वापिस कहां था, कैसे याद रखेंगे, राइट क्लिक रीसेट, और ये वहां हो गया है। जो मेरी लेफ्ट नॉब है ये पैनिंग के लिए है, मतलब कि ये साउंड लेफ्ट में चलेगी या राइट में चलेगी या दोनों चैनल्स में चलेगी। अगर आप अभी हेडफोन्स में ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये मेरे लेफ्ट चैनल में चली गई है, ये मेरे राइट चैनल में चली गई है, राइट क्लिक रीसेट, बिल्कुल सेंटर में वापिस आ गई है। ये ग्रीन बटन एग्जैक्टली वही हैं जिस तरह के प्लेलिस्ट पर दिए होते हैं, अगर मैं नॉर्मल इन पे क्लिक करूंगा मेरा ये पर्टिकुलर पैटर्न प्ले होना बंद हो जाएगा। साउंड चल रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही है क्योंकि म्यूट हो गया है, क्लिक किया वापस ऑन हो गया। अगर मैं इस पे राइट क्लिक करता हूं और सोलो कर देता हूं, इट मींस मेरा सिर्फ ये ही पैटर्न चलेगा, बाकी पैटर्न नहीं चलेंगे। फिलहाल मैंने अभी और पैटर्न सिलेक्ट नहीं किए हैं तो वो चीज हम नहीं देख सकते। राइट क्लिक अगेन सोलो, अब सारे के सारे पैटर्न चलने शुरू हो जाएंगे। इसके आगे यहाँ पर आप एक बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स है मेरे मिक्सर सिलेक्शन का। अभी हम फिलहाल मिक्सर के ऊपर नहीं आए हैं, तो जब हम मिक्सर सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि मिक्सिंग कंसोल एग्जैक्टली करता क्या है, तब हम इस सेक्शन के ऊपर भी आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे मैंने पकड़ा, आगे ले गया, ये बताता जाएगा कि कितना दूर है कितना पास है, ये आपकी अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इसे रख सकते हैं। मैं फिलहाल चार बीट्स पर ही काम करता हूँ। यहाँ से मैं गया था पैटर्न टू में, पैटर्न टू में मेरी इस तरह से किक लगी हुई थी और इस तरह से स्नेयर लगा हुआ था। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से मेरा पैटर्न वन में ये नजर आ रहा है उसी तरह से पैटर्न टू में भी नजर आए, तो मुझे क्या करना है, यहां पर एक बटन दिया गया है, हिंट पैनल में लिखा है इंटरैक्टिव स्टेप सीक्वेंसर / पियानो रोल ओवरव्यू। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया ये उसी तरह से दिखना शुरू हो गया है, ये मैंने स्पेस बार दबाया था, चलना शुरू हो गया। वापस मैं इस पर क्लिक करूंगा, बॉक्स वाले स्टाइल में शुरू हो जाएगा। मैंने इस पर क्लिक किया, ये ग्रीन ग्रीन डॉट पियानो रोल में लग गए हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली कहां लगे हुए हैं हम इस पर डबल क्लिक करके देखेंगे, वो लगे होंगे C5 पे। ये देखिए C5, मैं वापस बाहर जाता हूं, मैं इस पर क्लिक करता हूं, ये भी C5 पर भी लगे हुए हैं। मैं इसे उठाया पकड़ा, वापिस बाहर, सेकंड पे क्लिक किया, चैनल रैक। अगर मैं यहां पर जाता हूं, यहां पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, मैंने इसे क्लिक किया, यहां पर आ गया ऐड वन, यहां से भी मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूं, बट ये वही बात है, चाहे मैं राइट क्लिक इंसर्ट करूं, चाहे मैं ये प्लस प्रेस करूं, चाहे मैं यहां से जाकर ऐड वन करूं, बात एग्जैक्टली सेम है। तो अभी करंटली हमें क्या करना है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी पैटर्न सिलेक्ट करूंगा, मैं 9 नंबर पैटर्न में गया, मैंने यहाँ पे प्लस किया है, मैं कोई भी और इंस्ट्रूमेंट में गया, लेट्स से बू बेस, यहाँ पर एक बेस आ गई है,
राइट क्लिक किया, पियानो रोल में गया, जहां भी मेरा मन है, जिस तरह की मेलोडी मेरे दिमाग में आ रही है मैं सुन सुन के यहां पर लगा सकता हूं। मैंने क्लिक किया वापस, यहां देख सकते हैं वो सब दिख रहा है। मैं प्लेलिस्ट में गया, पैटर्न 9 पे क्लिक किया, मेरे सामने ये पैटर्न 9 आ चुका है। मैं ओवरऑल प्ले करके देखूंगा। तो फिलहाल आपको अपने हाथ सेट करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस जितनी तेज होगी, जितनी ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा उतनी ज्यादा आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। आपको सिर्फ पैटर्न सिलेक्ट करने हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करने हैं, उसकी अरेंजमेंट करनी है प्लेलिस्ट में कि यहां पर मेरा पियानो आए, यहां मेरा ड्रम आए, यहां मेरा कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट आए, यहां पर वोकल्स आए, एटसेट्रा। वोकल्स रिकॉर्डिंग ये वो मिक्सिंग एटसेट्रा, ये हम आगे आगे पढ़ेंगे। फिलहाल चलते हैं अपने अगले लेक्चर की ओर। तब तक के लिए अंकित देव दृष्टिकोण प्रोडक्शन से साइनिंग आउट। नमस्ते।